अच्छा भाई देखो, हमने हाइपोथैलेमस के हवाले से पढ़ लिया और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बेटा? बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के साथ एक स्टॉक लाइक, एक छोटे से आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर की तरह पूरे का पूरा ब्रेन के साथ अटैच हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट से, इंटीरियर पोस्टीरियर। इट इज अ साइज लाइक पी साइज ग्लैंड। पी साइज, पी का जितना बड़ा साइज होता है ना मटर के दाने के जितना बड़ा, इतना सा ग्लैंड होता है। इसका ये है इंटीरियर पार्ट और ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ पर हमने मेंशन किया है इट इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन। किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये ब्रेन के बेस के साथ, मतलब जो ब्रेन है उसके नीचे वाले हिस्से के साथ क्या है, लटका हुआ है, अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पहले कहते थे उसको क्या कहते थे, मास्टर ग्लैंड। वजह क्या थी? बिकॉज इट्स हार्मोन इन्फ्लुएंसेस ऑल अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इसके ऊपर, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे कि ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड नॉन ट्रॉपिक हार्मोन और जो ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर जब जाकर लगेंगे तो वो ग्लैंड स्टिमुलेट होगा या इनहिबिट होगा। समझ आई बात? वो हार्मोन जो कि किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को जाकर या तो इनहिबिट कर दे उसकी सिक्रीशन को, या तो स्टार्ट कर दे उसकी सिक्रीशन को, तो हार्मोन को हम क्या कहते हैं बेटा? हम हार्मोन को कहा जाता है आपके पास ट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ट्रॉपिक हार्मोन। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते थे इसको? बिकॉज इससे ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस होते थे और अभी भी होते हैं, जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट। लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि इसको खुद कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। इसीलिए अब हम इसको जो है मास्टर ग्लैंड के तौर पर कंसीडर नहीं करते। कुछ कहना बस बोलते ठीक दो पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंपली क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ आई बात? एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब दिस एरिया इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे अगली क्लास में व्हाई दे आर कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस, व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपका काम। ठीक है, रीजन है इसके पीछे, वजह है इसको ये कहने की, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। ह्यूमन बींग का जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है ये लार्जर होता है, बड़ा होता है, मीडियम पार्ट तकरीबन ना होने के बराबर होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि इसके मेन दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मीडियम भी होता है लेकिन बिल्कुल भी रिग्रेस तो होता है, ना होने के बराबर होता है, उधर से कोई हार्मोन भी तकरीबन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो मेनली क्या है? एंटीरियर और पोस्टीरियर, और इन दोनों में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंटीरियर। तो एंटीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। इधर पीछे हमने क्या पढ़ा था कि इधर आकर सिक्रीशन स्टोर होती है किसकी? हाइपोथैलेमस की। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है जो खुद किसकी अंडर कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस। यहां मैंने दिखाया अभी तक, यहां से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आकर ब्लड वेसल्स के अंदर अपनी सिक्रीशन देंगे, फिर वो सिक्रीशन आपके पास उन ब्लड वेसल्स में फैल जाएगी जो ब्लड वेसल्स पूरे के पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मौजूद है। तो फिर ये सिक्रीटरी सेल्स एक्टिवेट होकर और ये सिक्रीशन अपनी क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो खुद एंटीरियर पिट्यूटरी किसके अंडर कंट्रोल चल रहा है? हाइपोथैलेमस। किसके अंडर कंट्रोल चल रहा है? हाइपोथैलेमस के। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जब इसके सिक्रीटरी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, नंबर 1 ट्रॉपिक हार्मोन, नंबर 2 नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। नंबर 1 ट्रॉपिक हार्मोन, नंबर 2 नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। व्हाई दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिक एंड नॉन ट्रॉपिक हार्मोन? ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब होता है वो हार्मोन जो कि किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद
दूसरे किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करें और उसकी सिक्रीशन को या तो स्टॉप कर दें या तो उसकी सिक्रीशन को स्टार्ट कर दें। समझ आई बात? अगर वो आपके पास ट्रॉपिक हार्मोन इनहिबिटरी होगा तो वो जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन इनहिबिट कर देगा, और अगर वो आपके पास इनहिबिटरी हार्मोन नहीं हुआ मतलब कोई ऐसा हार्मोन जो इधर से निकले और जाकर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दे तो वो ट्रॉपिक हार्मोन तो कहलाएगा लेकिन ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो ट्रॉपिक हार्मोन की भी कितने टाइप्स हैं? दो, ट्रॉपिक इनहिबिटरी, ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग। ट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद दूसरे किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कर रहा है, उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक। और अगर उसकी सिक्रीशन को स्टार्ट कर रहा है तो प्रमोटिंग ट्रॉपिक कहेंगे, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है तो उस हार्मोन को क्या कहेंगे, इनहिबिटरी ट्रॉपिक हार्मोन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH कहते हैं। दूसरा है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप लोग सब ने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में और होमियोस्टेसिस के रोल में TSH, FSH, LH और ACTH का रोल पढ़ा हुआ है। तो आप सब ने देखा है कि ये सब हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाकर के या तो उसके फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसकी सिक्रीशन को, या तो उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। दे रेगुलेट द थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल्स, दे ऑल आर द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स नहीं सारे, इन सबसे सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। तो व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर जाकर क्या कर रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं उसकी सिक्रीशन को, या तो बढ़ा रहे हैं या तो उसकी सिक्रीशन को ग्रोथ दे रहे हैं। That is why these hormones are called tropic hormones. हो सकता है आपसे MCQ में short में बोल दे कि आप नाम लिखो tropic hormones के जो कि anterior pituitary से release होते हैं, और non tropic hormone का नाम लिखो। Non tropic hormone of pituitary gland is the somatotropic hormone. क्या नाम है? Somatotropic hormone. क्योंकि ये दूसरे आपके पास, आप देखो somatotropic hormone को क्या कहते हैं, it is a growth hormone basically. और मसल मास बढ़ जाए तो हमारी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो सबसे ज्यादा मेनली तौर पर इसका असर कहाँ नजर आएगा आपको, बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा ताकि नई नई चीजें बने, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो यही लिखा है, दे अफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द टिश्यूज एंड स्टिमुलेट द लिवर सिक्रीशन। सब कुछ वो वाले काम करेगा जिसके नतीजे में इन्फ्लुएंस होगा। किसके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा बेटा, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज। समझ आई बात? ये हर उस तरह के प्रोसेस को, हर उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हर उस तरह की सिक्रीशन को बॉडी के अंदर करवाना शुरू करेगा, हर उस तरह के प्रोसेसेस को स्टार्ट करेगा जिसके नतीजे में मेनली असर किस पर होगा, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। दूसरा जो हार्मोन है नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, दिस इज अ प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, जिसको अगेन आप लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर में देख चुके हैं कि प्रोलैक्टिन का क्या काम है, इट स्टिमुलेट एंड देन सस्टेन द मिल्क प्रोडक्शन इन द मैटेरियल। इसको हमने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पर डिस्कस कर ली थी कि कैसे मिल्क प्रोडक्शन होगी और कैसे वो सीक्रेट होगी। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद जो मेमरी ग्लैंड्स के आसपास के ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। कब? जब बेबी सकलिंग करता है, स्टिमुलेशन होती है वहां के मसल्स को, हार्मोन आता है और ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके नतीजे में ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो वहां से निकलकर एसिनाई तक जाता है और फिर निपल्स तक, और फिर बेबी सकलिंग के दौरान उसको क्या करता है, गेट कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होकर वहाँ रुका रहता है, सस्टेन रहता है और फिर वहां से निकलकर चला जाता है। समझ आ गई बात? दिस इज होल एंड सोल अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब हमने यहाँ पर कौन सा पार्ट कवर किया, एड्रिनो हाइपोफाइसिस ऑफ द हाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ गई बात? अब हम किसको पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी।